नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वो छोटे चुलासेस और वीडियो मार्केट्स ऊपर ट्रेड कर रहे थे क्योंकि निवेशकों ने दिन में बाद में आने वाली अप्रैल की नौकरियों की रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित किया था। बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी महत्वपूर्ण $60,000 के निशान के करीब ट्रेड कर रही है। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 2.2% की बढ़त के साथ 75,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। खैर, कई दिनों की गिरावट के बाद फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने से इनकार करने के बाद बिटकॉइन की कीमत लगभग 2 grand बढ़ गई। मार्केट ने पहले से ही ब्याज दर में बढ़ोतरी की कुछ संभावना का अनुमान लगाया था, जो कम से कम अभी के लिए संभव नहीं लग रहा है। आगे अधिक उदार मॉनेटरी पॉलिसी एनवायरनमेंट होने की संभावना के साथ पिछले 24 घंटों में रिस्की एसेट में बड़ी वृद्धि देखी गई। इस बीच लगभग $1.4 billion के नोशनल वैल्यू वाले लगभग 23,000 बिटकॉइन विकल्प आज दिन में एक्सपायर होने वाले हैं। बिटकॉइन के अलावा $1 billion मूल्य के लगभग 330,000 इथेरियम विकल्प भी समाप्त होने वाले हैं। ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पर इसका प्रभाव देखना दिलचस्प होगा। अलग से अप्रैल में क्रिप्टो और नॉन फंजिबल टोकन्स में महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव हुआ, जो डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शन के लिए कूलिंग पीरियड का संकेत देता है। दिलचस्प बात यह है कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस ने स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम में 35% की कमी दर्ज की, जिसमें बाइनेंस की हिस्सेदारी 43.7% थी। खैर, NFT की सेल्स भी गिरकर $1.15 billion हो गई, जो पिछले महीने से 31% कम है। इसके अलावा सोलाना की कीमत में पिछले 24 घंटों में लगभग 5% और पिछले 7 दिनों में 20% से अधिक की गिरावट आई है, जिसमें बिटकॉइन की कीमत अग्रणी है। FTX एस्टेट ने लॉक्ड SOL टोकन्स के लिए सेल्स का तीसरा दौर शुरू कर दिया है। दूसरे दौर में बेचे गए 1.8 मिलियन टोकन के साथ कई हफ्ते की सेल के बाद लगभग $232 million प्राप्त हुए। पिछले 24 घंटों में 2.2% की वृद्धि के साथ वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप $2.21 trillion पर थी। कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 20% घटकर $70.5 billion हो गई। आगे बढ़ते हुए एक्सलर नेटवर्क की नेटिव क्रिप्टोकरेंसी AXL में पिछले 24 घंटों में 14% की वृद्धि देखी गई है, जो $781 million के मार्केट कैप के साथ $1.21 पर ट्रेड कर रही है। जनवरी 2024 के बाद से AXL स्टेकर्स की संख्या दुगनी से अधिक हो गई है। पिछले 10 दिनों में 26 मिलियन टोकन स्टेक किए गए हैं, जो कुल सप्लाई का 66% है। अन्य समाचारों में सोलाना ब्लॉकचेन पर एक लिक्विड स्टेकिंग पूल जीटो अपने TVL के साथ एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन तक पहुंच गया है, जो 10 मिलियन सोलाना से अधिक है, जो $1.32 billion के बराबर है। ये वृद्धि सोलाना इकोसिस्टम में जीटो की स्थिति को मजबूत करती है और प्रोटोकॉल में बढ़ती रुचि का संकेत देती है। आगे बढ़ते हुए Web3 दुनिया में एक पॉपुलर सोशल फार्मिंग गेम पिक्सल्स ने अपनी ब्राउजर बेस्ड नेचर और रेट्रो स्टाइल आर्ट के कारण खिलाड़ियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। गेम ने तेज और अधिक शुल्क अनुभव के लिए रॉनन नेटवर्क पर स्विच किया है, जो 328,000 डेली एक्टिव यूजर्स को आकर्षित करता है। US स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी आई क्योंकि निवेशकों ने शुक्रवार को आने वाली अप्रैल की जॉब्स रिपोर्ट के लिए खुद को तैयार किया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 0.6% की वृद्धि हुई। S&P 500 फ्यूचर्स लगभग 0.3% बढ़ा, जबकि नास्डेक 100 फ्यूचर्स 0.6% बढ़ा। बिटकॉइन 2.8% की बढ़त के साथ $59,350 पर ट्रेड कर रहा था। ETH समान समय अवधि में 1.1% की बढ़त के साथ $2,980 पर ट्रेड कर रहा था। बाइनेंस BNB 2.1% की बढ़त के साथ $566 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना का SOL 3.7% की बढ़त के साथ $138 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कार्डानो का AD टोकन 0.4% की बढ़त के साथ $0.45 पर ट्रेड करता नजर आया। अवलांच का AVAX टोकन 2.6% की बढ़त के साथ $33 पर ट्रेड करता नजर आया। पॉलीगॉन मैटिक 3.3% की बढ़त के साथ $0.72 पर ट्रेड करता नजर आया। डोजकॉइन 3% की बढ़त के साथ $0.13 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शिबा इनू में 3.7% की बढ़त देखी गई। इसी के साथ रिपल का XRP टोकन 1% की बढ़त के साथ $0.51 पर ट्रेड करता नजर आया। पोलकाडॉट का डॉट टोकन 1% की बढ़त के साथ $7.1 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV। और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज ले लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versio.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs
Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. In April, the crypto and NFT market experienced significant declines, indicating a cooling period for digital asset transactions. Key players and crypto platforms faced declines in transaction metrics, reflecting investor caution and a revaluation of asset values. Centralized exchanges reported a 35.7% decrease in spot trading volumes, with Binance accounting for 43.7% of this volume. NFT sales dropped to $1.15 billion, a 31.26% decline from the previous month. The number of active NFT buyers and sellers also decreased significantly, with buyer participation falling by over half and seller activity decreasing by 45.72%. The downturn affected several blockchains where NFTs are commonly traded, such as Ethereum and Solana, with Ethereum's NFT transactions halving and Solana experiencing a 39.4% fall in sales. AXL, the native cryptocurrency of the XLR network, has seen a 14% surge in last 24 hours, trading at $1.21 with the market cap of $781 million. The daily trading volume has also surged by 76%, currently at $38.5 million. The recent surge brings AXL closer to its strong resistance of $1.26, and if it manages to break above this, it could set the stage for a new rally towards all-time high levels. The XLR technical chart suggests a bullish trend in AXL after a confirmed breakout from the bearish pennant pattern. Since Jan 2024, the number of AXL stakers has more than doubled, with 26 million tokens staked in the last 10 days, accounting for 66% of total supply. XLR Network offers a decentralized network and toolkit for developers of decentralized applications, including a decentralized network or software development kit and gateway smart contracts for cross-chain linkage. Shiba Inu is set to make a massive purchase of 1.75 trillion coins valued at $39.2 billion as it eyes a bullish breakout. An anonymous wallet has purchased two large chunks of SHIB coins, each containing 87 billion SHIB, resulting in a total of 1.75 trillion meme coins valued at $39.2 billion. Well, this purchase has sparked speculation about a potential bullish breakout for the meme coin. Cryptocurrency trader and analyst Ali Martinez predicts a major bullish breakout for SHIB. Over the last 24 hours, SHIB has attempted to surge by more than 9%. However, most of these burns were not intentional, as investors mistakenly sent tokens to the contract address, resulting in their permanent loss. Investors should exercise caution and double-check destination wallets before transacting to avoid losing their investments.